मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि यूपी की सियासत एक ऐसी सियासत है जहां की राजनीति इतनी ज्यादा पॉपुलर है, जिसको लेकर यही कहा जाता है कि यूपी की सियासत में अगर जीत हासिल कर ली जिस पार्टी ने, तो उस पार्टी के लिए यहाँ पर दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पर खुद खुल ही जाते हैं। और फिलहाल देखा जाए तो यूपी की सियासत में जिस तरीके से वर्चस्व देखने को मिल रहा है बीते कई सालों से समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी जो आज यहाँ पर तमाम बड़े संघर्षों का सामना करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते साल 2022 में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। इस पार्टी का उन्होंने गठन किया और सबसे पहले वह मुख्यमंत्री बने बीजेपी के समर्थन से, बाद में कांग्रेस के समर्थन से और बाद में अपनी खुद की पार्टी का उन्होंने गठन कर लिया। अब देखा जाए तो हालात ये हो चुके हैं कि आज समाजवादी पार्टी तमाम बड़े बड़े राज्यों में लगातार जीत हासिल करने का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर यादव कुनवा, जो राजनीति में सबसे बड़ा कुनवा कहा जाता है, यादव कुनवे के तकरीबन 25 से अधिक सदस्य ऐसे हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कुछ ऐसे नामी चेहरे हैं जिनको लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं, जो बयान देते हुए नजर आते हैं और अक्सर उनके बारे में उनके समर्थक जानना चाहते हैं। उन्हीं में शुमार है यादव कुनवे की छोटी बहू, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव। अपर्णा विष्ट यादव जिन्होंने साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उनका ये चौंकाने वाला फैसला वाकई में हर किसी को हैरान कर गया था। और इस वक्त अपर्णा से कई सवाल पूछे गए, उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया कि आखिरकार खुद की एक मजबूत पार्टी होने के बावजूद उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख क्यों किया। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और ऐसे में देखा जाए तो उस नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना चाहती थी अपर्णा विष्ट यादव और वह जुड़ी भी। फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने यही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह काम करना चाहती हैं, जो आलाकमान का फैसला होगा वह उस फैसले को हंसते हंसते स्वीकार करेंगी। और ऐसे में देखा जाए तो उनका जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ही हर किसी के दिल को जीतता है, क्योंकि देखा जाए तो आज भी अपर्णा विष्ट यादव सब्र कर रही हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, जब वह शामिल हो गई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने उन्होंने जिस तरीके से यहां पर बीजेपी से टिकट लिया और यहां पर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया बेहद शानदार अंदाज में, उस वक्त सभी को यही उम्मीद रही कि कहीं ना कहीं अपर्णा विष्ट यादव को यहां पर किसी सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा, ऐसे दावे किए गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजमगढ़, जो काफी ज्यादा मायने रखता है अखिलेश यादव के लिए, आजमगढ़ जो गढ़ कहा जाता है अखिलेश यादव के लिए, वहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। लेकिन आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुए तब यही कहा गया कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी डिंपल यादव को वह आगे करेंगे और बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश ने यहाँ पर अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आगे किया और दूसरी ही तरफ दिनेश लाल निरहुआ को बीजेपी की तरफ से आगे किया गया, जहां से निरहुआ ने जीत हासिल की। फिर बाद में कयास ये लगाए गए कि साल 2024 में अपर्णा विष्ट यादव को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरह तैयार किया जाएगा और जरूर किसी न किसी सीट से उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं देखने को मिल रहा है फिलहाल। दूसरी ही तरफ अपर्णा विष्ट यादव को योगी कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली। जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण तो उनके कैबिनेट में यहां पर कई महिला नेताओं को जगह मिली, लेकिन अपर्णा को इसमें जगह नहीं दी गई। वहीं दूसरी ही तरफ मैनपुरी में जो चुनाव हुए वहां पर भी उन्हें जगह नहीं दी, ना ही स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया। अब यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मेयर पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि लखनऊ से देखा जाए तो नगर निगम चुनाव में मेयर पद की दावेदारी के लिए अपर्णा विष्ट यादव का नाम टॉप पर बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यहां पर डॉक्टर प्रोफेसर तक के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अपर्णा का नाम यहां पर सबसे आगे बना हुआ है।
ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में अपर्णा को आगे किया जाएगा? क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि अब यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक किन्नर को आगे किया है, समाजवादी पार्टी से किन्नर, महासभा से अध्यक्ष पायल को उन्होंने आगे किया है। और ये दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से कि मेयर पद की दावेदारी के लिए अखिलेश भैया ने उन्हें आगे किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह चुनाव में जीत हासिल करेंगी, मेयर जरूर बनेगी। और ऐसे में देखा जाए तो क्या अपर्णा को आगे करना चाहेगी योगी सरकार, ये बेहद बड़ा और अहम सवाल है। फिलहाल हमने आपको वो तमाम जानकारियां दी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे अपर्णा बिष्ट यादव के उन इंटरव्यूज के बारे में जब उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार हमारे सहयोगी का क्या कुछ कहना रहा है अपर्णा को लेकर। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अपर्णा बिष्ट यादव ने हाल ही में जिस तरीके से मैं बीजेपी में शामिल हुई तब उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा गया क्या पुराने अनुभव की वजह से या फिर अब उन्हें जो टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा कि अपना फैसला मैंने शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया था, मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मिले मेरे काम के आधार पर मिले, मैं ये नहीं चाहती कि पार्टी छोड़कर आने पर मुझे टिकट दे दिया जाए, मुझे राष्ट्रीय आराधना के साथ आगे जाना है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ अपना जीवन समर्पण कर यूपी के लिए मुझे काम करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या सपा में उनको हक नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि परिवार के विमुख मैं आज भी नहीं हूँ, परिवार में जो भी बड़े नेता हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ, जो भी महिला अपने घर को अच्छा करना चाहती है वो भाजपा के साथ है और योगी जी मोदी जी की नीतियों के साथ है। साथ ही साथ यहाँ पर अपर्णा ने कहा मैं एक महिला हूँ और स्वतंत्र हूँ, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम सभी के फंडामेंटल राइट है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से आगे लेने की आवश्यकता, अब सब लोग मेरे साथ हैं। इस तरीके से अपर्णा ने यहां पर अपनी बात रखी। और साथ ही साथ भाजपा के चुनाव जीतने पर उन्होंने कहा कि मैंने टिकट के लिए इसीलिए भी ज्यादा कोशिश नहीं की ताकि ये लोग ना कहें कि भाजपा में सिर्फ टिकट की राजनीति के लिए आई हूं। तो अपर्णा बिष्ट यादव की ये तमाम यहां पर फैसले रहे हैं। अब देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव योगी सरकार के नेतृत्व में यूं दिलासे पाती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी या फिर अपर्णा बिष्ट यादव की कहीं ना कहीं कोई बगावती सुर आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे या सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए वह आगे बढ़ती चलेंगी। फिलहाल तो यहां पर ये तमाम चीजों का इंतजार किया जाएगा, लेकिन आगे आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी कशिश ने क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कशिश, जिनसे हम राय लेना चाहेंगे यहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू, जो बीते साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरुआत में ही बीजेपी में शामिल हो गई और आज अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर यही सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि अपर्णा बिष्ट यादव के लिए योगी सरकार के कुछ फैसले हैं या फिर नहीं। कशिश, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को वाकई में अगर कुछ नहीं दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद या फिर यहां पर उन्हें किसी भी सीट से आगे नहीं किया जाता है, तो अपर्णा बिष्ट यादव की क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है भविष्य में? देखिए प्रियांश, यहाँ पर ना जो अपर्णा है वो क्या कहती है, वो ये बोलती नजर आती है कि मुझे जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, आज नहीं तो कल दी जाएगी, एक उम्मीद पर वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये देखिए साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अगर मुझे आगे नहीं भी किया जाता तो मैं तो हमेशा यहाँ पर सीएम योगी और पीएम मोदी की छाया में ही रहना चाहती हूँ, उनसे ही हमेशा सीखना चाहती हूँ। देखिए कहना बहुत आसान है कि मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आप कोई भी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में आएंगे तो आप इसलिए आएंगे ताकि आपको वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, तो इस पार्टी में जरूर मिलेगी। और इसमें भी अगर आपको नहीं मिल रही तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अफसोस होगा और आप इस पार्टी को छोड़ देंगे आने वाले टाइम में। आप ये देखिए कि शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी हमने देखी थी यहाँ पर, अब नाराजगी किस वजह से थी, क्योंकि शिवपाल को पीछे कर अखिलेश खुद आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहां पर देखा कि शिवपाल की वजह से हमें फायदा हुआ है तो उनको रख लिया, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी नहीं दी गई। शिवपाल भी यही कह रहे कि कोई बड़ा पद ना मिले तो भी कोई बात नहीं, पार्टी में हमेशा रहूंगा, लेकिन कब तक, उनके बेटे के फ्यूचर का क्या अगर उन्हें नहीं मिलता तो नॉर्मल सी बात है यहां पर कि अपर्णा यादव भी यही सिर्फ एक बात कह रही है, उनको दिखाई दे रहा है कि मुझे अगर मेयर पद के लिए भी आगे नहीं किया जाता उपचुनाव में तो मैं उतरी ही नहीं। खुद से उनकी मर्जी थी कि मुलायम सिंह यादव की वो सीट है, लेकिन अब अगर लोकसभा चुनावों में भी नहीं उन्हें उतारा जाता है तो नॉर्मल सी बात है वो दिन दूर नहीं होगा जब अपर्णा यादव यहां से भी इस्तीफा देती नजर आएगी। कशिश, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए अब जो चुनाव लड़ेंगे वह कन्नौज से लड़ेंगे, जहां से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वहीं से डिम्पल यादव ने भी शुरुआत की और दोनों ने जीत भी हासिल की, तो क्या अपर्णा बिष्ट यादव को भविष्य में यहां पर बीजेपी वहां से आगे करना चाहेगी? देखिए बखूबी मान सकते इस बात को, कहीं ना कहीं कयासों के आधार पर ही बात की जाए तो यहां पर अगर हो सकता है कि अखिलेश और डिंपल के विरोध में, अगेंस्ट में यहां पर अपर्णा को आगे किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश यादव
को जितना एक्सपीरियंस है यहाँ पर पॉलिटिक्स का, जितना एक्सपीरियंस है राजनीति का, उतना शायद मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को है। तो एक बात ये भी तो हो सकती है यहाँ पर कि अपर्णा यादव को कन्नौज से उतार के रिस्क भी तो नहीं ले सकते कि वहाँ से उतार दिया, और अखिलेश यादव अगर जीत गए, उनकी जमानत जब्त हो गई अपर्णा की, तो फिर क्या करेगी बीजेपी। जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी के लिए भी इस वक्त तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार अपर्णा के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा यहाँ पर आलाकमान की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि अपर्णा बिष्ट यादव किस तरीके से यहाँ पर अहम फैसले ले सकते, देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में सपा में वापसी कराने के लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव आगे आएंगे अपर्णा बिष्ट यादव के लिए, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि परिवार को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है डिम्पल यादव, और ऐसे में देखा जाए तो डिम्पल यादव की कोशिशें क्या वाकई में देखने को मिलेंगी अपर्णा के लिए, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले समय में। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर परिवार की क्या कुछ रणनीतियां होती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पूरे ही विपक्ष का यही दावा है कि पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।